अगर ये आप सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और दुआ है परवरदिगार से जहाँ रहें खुश रहें। मोहम्मद फैज़ान, वेलकम टू माई चैनल, ऑल इज़ वेल। और उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं, रात को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सबको, सबसे पहले तो सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और ये रमज़ान हम सब के लिए बहुत सी खुशियाँ और बहुत से, और दुआ है परवरदिगार से कि वो सब वबाओं, बीमारियों, तकलीफ़ों से हम सबको दूर फरमाए। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुबह सहरी है और सहरी के लिए मैं बना रहा हूँ चिकन। और चिकन कैसे बनाऊँगा मैं, और आपके साथ शेयर होगा आज का व्लॉग, पहली सहरी। और अफ्तार भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर होगी। तो चलते हैं अभी किचन में और क्या से बनाऊंगा मैं चिकन आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं किचन में आ चुका हूँ। मैंने तो पहले चिकन को सबसे पहले फ्राई के लिए रखा है। फ्राई करो थोड़ा सा, और घर वाले यहाँ पे कुछ बना रहे हैं तो पहले तो हम अपनी रेसिपी पे चलते हैं। और प्याज मैंने पहले से ही ब्राउन करके रखा है, बाकी चीज़ यहीं पर पड़ी हैं। तो पहले मैंने इसको फ्राई के लिए रखा था, फ्राई हो चुकी है और अब निकालते हैं इसको बाहर। चिकन जो फ्राई हो चुका है तो इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ बाहर, क्योंकि जी हर बंदा अपने स्टाइल से बनाता है। तो मुझे जो पता है मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ, उम्मीद है कुछ लोगों को पसंद ना आए। लेकिन आज की सहरी मैंने सोचा घर वालों की हेल्प करनी चाहिए और मैं खुद ही बना, हालाँकि वो बना रहे थे लेकिन आज मैंने बनानी है चिकन। और आप लोगों से शेयर भी करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चिकन बिल्कुल हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है और अब देखते हैं इसमें क्या डालना है। सबसे पहले चिकन, इसके साथ मैंने डाल दिया है पहले अदरक और लहसुन इसी के अंदर ही। और अभी घर वाले टमाटर काट रहे हैं तो पहले टमाटर काट लेते हैं। रयान और विशाल हरीम को झूले देते हुए रोज़े के, जैसे कि आप सबको पता है रोज़ा स्टार्ट है कल, सुबह सहरी है तो बच्चे भी देर तक जाग रहे हैं अभी तक। ये कौन है इसमें? और अभी टमाटर और मसाले वगैरह इसमें हमने डाल दिए हैं। आप में से बहुत से लोग हमसे बेहतर, मेरे से कम अज़ कम बेहतर बनाते होंगे। मैं तो वैसे ही ज़रा, आज सहरी है तो लॉकडाउन की वजह से, जैसे आपको आपको पता है हर बंदा घर में है तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो आज मैं इसीलिए इस मिशन पे निकला हूँ। और अभी चिकन मैंने इसमें डाला है। चिकन अभी तकरीबन थोड़ा रहता है तैयार होने में और काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। आपसे गपशप भी लग रही है और कुकिंग भी हो रही है। लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ है, कम से कम कुकिंग तो सीख ही गया हूँ। तो बस थोड़ा सा अभी इसमें हम दही डालेंगे। इसके बाद दही अभी डालना है उसके अंदर थोड़ा सा। चिकन तैयार हो चुका है और अब इसमें डालेंगे योगर्ट। दही जो था वो इसमें डाल दिया मैंने और इसको अब मिक्स करूँगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, आज तो मैंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चिकन बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा और अपनी राय का एहसास ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ गलती की मैंने तो। माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त बना है। ये सुबह तो सहरी में ही पता चलेगा। और
अभी वो चौकीदार अंकल सिटी जा रहे थे और बच्चे पाल्टिन को देखने गए। मैम किसको देख रही हो? विशाल, हरीम और रयान उनको देख रहे हैं, चौकीदार अंकल को कि वो क्या कर रहे हैं। और मीम झूले खा रही है। मीम क्या कर रही हैं आप? और मीम झूले खा रही है। अभी रात को 12 बज रहे हैं, बच्चे सारे उठे हुए हैं। बिल्कुल खाना मेरा रेडी हो चुका है, तो इंशाल्लाह ये सुबह सहरी में चलेगा और उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। तो अभी तो मिलेंगे आपसे दोबारा सुबह से। अभी सहरी का टाइम हो चुका है और मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, घर वाले उठ चुके हैं और बच्चे भी सोए हुए हैं। तो अभी चलता हूँ, पहले सहरी करता हूँ और नीचे भी सब लोग सहरी कर रहे हैं, तो चलें चलता हूँ अभी बाहर और नीचे भी सहरी की तैयारी हो रही है, सहरी कर रहे हैं सारे चाचू लोग। अभी अलार्म बज रहा है तो जल्दी से पहले रोज़ा बंद करते हैं। तो रोज़ा मैंने ऑलरेडी पहले बंद कर चुका हूँ, आप लोगों को उम्मीद है जल्दी से बंद कर दिया होगा। और आज पहली सहरी, बहुत मज़ा आया काफ़ी अरसे बाद। मैंने रोज़ा बंद कर लिया, अजानें हो रही, जैसा कि आपको आवाज़ आ रही होगी। अभी सुबह होने को है, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद, रोज़ा बंद करने के बाद अभी सुबह छत पे अभी दोबारा आया हूँ। तो अब नींद भी आ रही है और इजाज़त चाहेंगे आपसे, एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।